कोई दारू लेके घुस रहा है, कोई भाई जो मैं तो पीना छोड़ दिया भाई मेरे जैसे, लेकिन और भी तो होंगे जिन्होंने भी पीना नहीं छोड़ा, अगले साल हो सकता है छोड़ दें, तो यार उनके लिए भी तो इन्फॉर्मेशन जरूरी है। आप पता चला कर्नाटका से यार इधर पिल गए जब हमने उनको बताया कि इतनी ग्रीनरी हमने देखा, कह रहे बेटा वेलकम टू गॉड्स ओन कंट्री, वेलकम टू केरला। तो जी अब जा रहे हैं हम अबे फॉल्स। अबे फॉल्स का डिस्टेंस यहाँ से इट्स 17 किलोमीटर्स और हमें लगना चाहिए 46 मिनट्स। तो 17 किलोमीटर्स के लिए 46 मिनट्स क्यों लगेगा, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो अभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली रोड्स कैसे हैं। ताबड़तोड़ भैया ताबड़तोड़। चलो आगे चलते हैं। हाथ की वाट लग गई बे, हाथ की वाट लग गई। एक तो एक हाथ से ड्राइविंग करो, ऊपर से ऐसा ऑफ रोड, दूसरे हाथ से साला गोप्रो पकड़ के ना, आए भैया जल्दी आओ। अब क्योंकि खाने का सामान हमने अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के पास रख दिया था वहाँ पे, तो वो लेने जा रहे हैं। एंड पानी तो हमारे पास इतना था कि वो चाह के भी वो ले नहीं सकते। हमारे पास कम से कम अभी भी 5 कैरेट पानी बचा होगा, 4 या 5 कैरेट प्लस बहुत सारे बॉटल। लेकिन या हमने उनको ये प्रॉमिस किया था कि हम कुछ फेंकेंगे नहीं, तो डेफिनेटली यार वो तो हम नॉर्मली भी जाते तब भी नहीं फेंकते, प्रॉमिस करने नहीं भी। लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा कॉशस किया था, तो डेफिनेटली हमने और भी ज़्यादा ध्यान रखा। प्लस आगे नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा है बिकॉज ऑफ द फायर, यू नो फॉरेस्ट फायर। तो हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसमें किसी को भी कोई भी आपत्ति हो, आप समझ गए होंगे। तरते वक्त हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पर्सनल गाड़ियों से आए हुए थे, बट दे वर प्रेफरिंग के यार यहाँ पे ना जो ऑफ रोडिंग है वो जिप्सी और जो भी महिंद्रा की बुलेरो और इसमें थार में उसमें करें। बिकॉज दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो कि ना जब आप कहीं टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हो ना तो सब आपको ज्ञान देते हैं, क्योंकि इंडिया में तो सारे ज्ञानी हैं ना, अरे भैया इससे आगे नहीं गाड़ी जाती, इससे आगे जीप लेना पड़ता है। हमें भी रोक रहे थे बट हम रुके नहीं और फॉरेस्ट वालों ने हमें जाने दिया। तो यार एक बार ना रिकन्फर्म किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से कर लो, जैसे कल हमारे साथ हुआ जब हम वहाँ पे ट्रैक पे जा रहे थे, हमें बताया गया था कि हम वहाँ पे गाड़ी ऑफ रोड ले जा सकते हैं बट फॉरेस्ट वालों ने मना कर दिया। तो कभी कभी जिस्मत जबर होती है, कभी कभी झंड होती है भैया, तो झंड और जबर के बीच में आपको जूझना है पूरी जिंदगी। सो वी हैव पार्क्ड द कार एट अबे वाटरफॉल्स पार्किंग एंड अभी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मेरे पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं एंड इनफैक्ट गाड़ियाँ आ भी रही हैं, कुछ गाड़ियाँ जा भी रही हैं, तो देखते हैं लोग कितने रहते हैं। एंड आगे नीचे से एंट्री है इसकी, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना चलना है। तो पैर में एक्चुअली दर्द हो रहा है, कल से ट्रैक 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 और आज फिर से वापस से ट्रैक ट्रैक ट्रैक, तो आधा छूट जाती है। और 2-3 दिन ट्रैक कर लो तो आपको तो पता है काफ मसल्स में क्या तगड़ा दर्द होता है यार। बड़ी बात ये नहीं है कि हम जा रहे हैं, बड़ी बात ये होगी जब हम ऊपर वापस आ रहे हैं। तो अभी नहीं, खुद ही को कर बुलंद, इतना चढ़ाव जैसे तैसे भरोसे वाले, चढ़ तो गया अब उतरेगा कैसे, उतर तो गया अब चढ़ेगा कैसे। हाउ मच टाइम विल इट टेक? 5 मिनट्स। ओके, जान में जान आई बिकॉज 5 का 50 हो जाता ना तो सीरियसली मैं यहाँ से ना मनी से गाड़ी की चाबी लेता और वापस, मैंने कहता वेट कर रहा हूँ, दौड़ते हुए जाता ना, भागते हुए। वो गधे के सर में पंख नहीं लगते हैं, घोड़े के सर में पंख, या जो भी घोड़े गधे के सर में सिंह, गधे के सर में हमेशा से सिंह लगाया। अबे जो भी यार समझो, मुहावरों के घुस जाते हो। तो
दैट्स द अबे वाटरफॉल एंड यहाँ पे एक ब्रिज भी था कि था इसलिए बिकॉज अब वो नहीं है, वो टूटा हुआ है, तो दैट हैज बीन क्लोज एंड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट या इट इज़ अ डिफरेंट थिंग दैट वी आर विटनेसिंग. वाटरफॉल वाटर की आवाज़ आ रही होगी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं. तो इट्स 5 minutes ऑफ वॉक फ्रॉम द पार्किंग एंड यू आर हेयर एट द वाटरफॉल. तो फाइनली हमने GoPro से एक दो फोटोग्राफ्स लिए और उसके बाद हम वापस जा रहे हैं. वी डिडंट स्टॉप देयर फॉर मोर देन 5 minutes क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं और जगह नहीं है. तो चलो अब चलेंगे यहाँ से वायनाड, विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे का रास्ता. टाइम अभी हो रहा है 2 बज रहे हैं, तो 6 बजे तक शाम तक पहुँचेंगे. रोड्स बहुत सीनिक है इसीलिए दिन के टाइम में कवर कर रहे हैं, अदरवाइज कुर्ग में थोड़ा सा टाइम और स्पेंड कर सकते थे. तो गाइज हम निकल चुके हैं कुर्ग से वायनाड के लिए. वायनाड का डिस्टेंस यहाँ से 160 किलोमीटर के आसपास है, जो हमारा होटल वहाँ पे रहेगा. होटल का बुकिंग और पेमेंट हमने ऑलरेडी कर दिया था, मतलब थोड़ा सा पे किया था, पेटीएम कर दिया था, सो दैट दे आर कन्फर्म दैट कि हम आ रहे हैं एंड गोची नहीं देंगे, गोली नहीं देंगे, क्योंकि यार गोली तो लास्ट मोमेंट पे भी लोग देते हैं ना. अगर मनोज भाई देख रहे तो उनको पता होगा. एनीवेज 4 घंटे का डिस्टेंस बहुत ही सीनिक रहने वाला है, तो चलो आपको ले चलते हैं कुर्ग से वायनाड. गाड़ी में फुल टैंक डीजल ले लिया है. अब इस ट्रिप पे जो हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा आने वाला है ना, वो डीजल का आने वाला है, बिकॉज फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है. बिकॉज अभी तक हमने कितने किलोमीटर घर से कवर कर लिए, ट्रिप भी देखना 28,600 कह रहा हूँ, पागल हो गया है क्या बे? या 28,000 समझ गए ना, 2,800. तो 2,800 किलोमीटर्स कवर कर लिया है, क्योंकि अभी जो अपना डिस्टेंस है ना, हर दिन का 150, 200, 300 किलोमीटर ऐसा रहेगा फॉर कंटिन्यूस नेक्स्ट 2 or 3 days. एक बार डीजल टैंक फुल करा लो आप टेंशन फ्री, क्योंकि इस गाड़ी से हमें एक फुल टैंक डीजल में 1,000 के करीब का रेंज और उससे ज़्यादा इनफैक्ट अगर नॉर्मल चलाना. अभिनव भाई चलाए तो भाई 1,500 का भी दे देगा. अभिनव भाई तो गजब चलाते हैं ना. जिस दिन अभिनव भाई को हमने पिक किया सूरत से, हम गाड़ी से हाईवे पे चल रहे हैं, बगल से रिक्शा गया, साइकिल गया, मैंने कहा अभिनव भाई चला तो लो यार. बैग लेके पैदल चले गया. इनफैक्ट मनी तो बोलने भी लगे कि ट्रॉली को अगर ऐसे धक्का दे दो ना ढलान पे तो अभिनव भाई की गाड़ी को ओवरटेक कर देगा. बैग में चक्के नहीं लग रहे थे. माइलेज आई 18 की. भाई साहब हमारा डीजल का जो पैसा बचा है वो अभिनव भाई भी चला गया था. हाँ हाँ बिल्कुल, अम्बोली घाट वाट सब 18 का माइलेज भाई. जो डिस्टेंस ना तोड़ के बाहर आया, इंजन तोड़ के बाहर, क्या एक गाड़ी कहने लगी अभी इतना कौन चला कौन रहा है भाई. हाँ सीरियसली गाड़ी भी पगला गई ना अभी, ये पे पैर ही नहीं रखता है, गियर लगा के छोड़ दिया. तो ऐसा मस्ती मजाक चल रहा है. चलो वायनाड चलते भैया. We have just stopped here at nowhere and यहाँ पे क्या हरियाली है यार, seriously क्या हरियाली है यार, हर तरफ बस हरा ही हरा. एंड यहाँ पे दोनों साइड रोड के इस साइड भी और इस साइड भी कॉफ़ी प्लांटेशन है. तो आपको जो रेड वो फल दिख रहे हैं, आई डोंट नो कॉफ़ी बीन्स दिख रहे हैं वो रेड कलर के, ये कॉफ़ी फॉर्मेशन कॉफ़ी प्लांटेशन है. तो यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन है, यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन है. तो यार जो वाइब्स कहते हैं ना, वाइब्स वो प्रॉपर वाइफ सारी है. मनी कहाँ उतर रहा है भाई, किसी का प्राइवेट है? देखो लड़का उतर गया, नहीं कहा कि कॉफ़ी से मुझे बहुत प्यार है. तो लड़का कॉफ़ी पता नहीं कहाँ उतर के क्या करने का विचार है उसका, बिना कुछ बताए उतर गया. तो क्या कर रहा है, कॉफ़ी तोड़ रहा है. हाँ
अभी वो कॉफ़ी अगर लेके आता है तो आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं जो पेड़ पे लगे रहते हैं वो एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं। नॉर्थ में ना आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती नहीं है, ना कि इतनी हरियाली, ना कि ये कॉफ़ी। और जहाँ पे मुन्नार और ऊटी हम जाएंगे वहाँ पे टी स्टेट्स होंगे, तो टी प्लांटेशन होती है, तो बहुत हरा होता है यार, पूरा पूरा फ्लोर, मतलब पूरा पूरा माउंटेन्स ही हरा होता है। तो एग्जैक्टली सेम ऐसा यहाँ भी है भाई। अब क्या वहीं बनाए कैपेचिनो बनाने भी लगा? दिखाओ 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 दिखाओ। हाँ। So, ये कॉफी के बीन्स हैं, ये कॉफी का फल है। हाँ, ये सूखेगा भी। ये सूखेगा फिर रोस्ट होगा। ओके। रोस्ट होने के बाद तब फिर ये बनेगा। अबे ये थोड़ा थोड़ा इसके पीनट्स की तरह नहीं लग रहा है? समझ के खा मत जाना। किसकी तरह? इसके अंदर बीज है ना कॉफी का, ये देखो कॉफी का बीज है। ये सूख करके रोस्ट होगा ना, छिलका निकलेगा फिर। हाँ, छिलका निकल के दिस इज द कॉफी बीन। हाँ। तो इसका तुम करोगे क्या? इसको ले जाएंगे, पैक करेंगे भाई। बीन्स बीन्स तो बीन्स है। और उसके बाद रोस्ट करके पियोगे? हाँ, रोस्ट करके पीसेंगे। बॉर्नविटा थोड़ी ना अभी कॉफी है, रोस्ट कहाँ करोगे? रोस्ट करेंगे यार तवे पे। देखा, अरे यार मैं फोन पे बात करता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट, उसके बाद मैंने अचानक से ध्यान दिया रोड पे, तो भाई मैंने कहा फिर से कुर्ग में कैसे आ गए? तो भाई कह रहे नहीं नहीं कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में होगा, विराजपेट राइट, विराजपेट मैसूर रोड है, विराजपेट मैसूर रोड पे कहीं पे हमें अपन अभी है। और कुर्ग डिस्ट्रिक्ट विस्टिक एक जगह, दो जगह कुर्ग का नाम था, तो मैं भी कन्फ्यूज हो गया भैया, इतना घूमे फिर से लौट के बुद्धू घर को आए। मौसम अभी ठीक हो गया भैया? हाँ, धूप आ गई है तो बहुत ताबड़ तोड़ लग रहा है ना, मतलब जो फुटेजेस एक्चुअली ना जो कैमरे स्क्रीन मतलब विंडशील्ड के अंदर से रिकॉर्ड करते हैं, बहुत डिपेंडेंसी होती है लाइट किस हिसाब से है। अब मैं जो देख रहा हूँ ना, मेरी आंखें तो पता है इतने मिलियन वो क्या कहते हैं पिक्सल, हाँ हाँ ये बताएगा ना ये आंखों का डॉक्टर हमारा, आंखों का सर्जन है। क्या होते हैं? ओके, कलर विजन के लिए। कलर विजन के लिए ना, हाँ। तो वो चीज़ कैमरा कभी नहीं दे सकता भैया, कैमरा है 25-30 हज़ार, आदमी है लाखों का, नहीं करोड़ों का, एक्चुअली प्राइसलेस है। इसकी भी बात कर रहा था, उसकी भी बात कर रहा था, आपकी भी बात कर रहा था, आप भी प्राइसलेस हो भाई। चलो बकचोदी बहुत हुआ, कुर्ग चलो, नहीं वायनाड चलो। भैया बधाई हो, मतलब मेरे को भी बधाई हो, गाड़ी 67,000 घूम चुकी है। चलो जी, ड्राइवर का हो रहा है आदान प्रदान, अब आ जाएंगे हम ड्राइविंग सीट पे। मनी बहुत आगे करके चलाता है यार, पीछे ना फिर से बैग फंसा हुआ है। तो अपना पीछे वाला जो सीट है ना कंपार्टमेंट, ये पूरा ऐसा है, देख लो, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, हाँ, हगने के लिए आपको पता ही है। चलो अभी मिरर एडजस्ट करते हैं और ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। गाड़ी अपनी चल चुकी है 67,000, इंडिया भर में ऑलमोस्ट बहुत कम स्टेट है ऐसे बच्चे जहां गाड़ी गई नहीं है। तो वी जस्ट स्टॉप्ड हियर, अभी हम फिलहाल कर्नाटका में ही हैं, और जो कि मैं आपको पहले और लास्ट वीडियो में भी बताया कि यार वायनाड का जो रूट है ना इतना ज़्यादा सीनिक है, इतना ज़्यादा सीनिक है, मतलब आप देख सकते हो यार रोड्स कितने अच्छे हैं, प्रॉपर रोड्स और इतना अमेजिंग नज़ारा, और भाई आसमान तो भाई साहब मैं क्या ही बताऊँ यार, आसमान तो इतना जहर हो रहा है, इतना जहर हो रहा है, मतलब इतने फोटोग्राफ लिए ना, लेकिन यू नो मेमोरी कार्ड भर रहा है, मन नहीं। चलो आगे चलते हैं, यहाँ से जो हमने होटल का डिस्टेंस डाला तो वो अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। साउथ इंडिया गजब है यार, गजब है। मैं और अभिनव यही बात कर रहे हैं यार कि कैसे यार, मतलब कैसे कोई जगह इतना खूबसूरत हो सकता है, मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है ना कि किसी गार्डन में, जैसे मुगल गार्डन के अंदर ना गाड़ी चला रहा हूँ। बहुत सारे स्ट्रेच, बहुत सारे रोड्स पे ड्राइव किया है, बहुत सारी ग्रीनरीज पे ड्राइव किया है, बट पता क्या, कुछ टाइम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक ऐसा रहता है, उसके बाद फिर नॉर्मल रोड। अरे ये तो रोड ही गजब नहीं हो रहा है भाई, मतलब इतना सुंदर है। और कहीं कहीं तो ऐसी चीजें हैं,
ये कैमरा ऑन करते करते ना मैं मेरे हाथ दर्द हो गए यार कि कौन सा रिकॉर्ड करूँ कौन सा नहीं रिकॉर्ड करूँ। मैं पता नहीं कितना फुटेज वीडियो में यूज कर पाऊंगा बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि यार ये कैसे छोड़ सकता है तू, ये हालत हो रही है मेरी। भाई फाइनली अपन घुस गए हैं केरला में। वेलकम टू केरला। तो 61 किलोमीटर्स और क्या फीलिंग है यार, फाइनली गॉड्स ओन कंट्री केरला। मतलब क्या खूबसूरत रोड थे, मतलब मैं जितना भी तारीफ करूँ ना शायद कम होगा। एंटर्ड केरला, दिस इज द केरला चेक पोस्ट, दैट साइड इज कर्नाटका, दिस साइड इज केरला। एंड सिंस दिस चेक पोस्ट हैज इट्स फॉर्मेलिटीज, सो अभी भैया लोग फॉर्मेलिटीज कम्प्लीट कर रहे हैं एंड हमारी गाड़ी सारी चेक हो रही है। तो एक बार सारी गाड़ी चेक करती है तो भैया ने बताया कि यू कैन नॉट कैरी लिकर फ्रॉम कर्नाटका टू केरला, इफ़ यू हैव लिकर देन यू हैव टू आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। एंड मास्क इज़ मैंडेटरी इन केरला, अदरवाइज 1000 rupees फाइन इज़ देयर एंड वी हैव टू टेक आउट आवर बैग्स सो दैट दे कैन डू द चेकिंग। नेपाल इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी बिग माउंटेन, तो इंटायर हिमालय गोज फ्रॉम इंडिया नेपाल भूटान, सो इट हैज़ वेरी ब्यूटिफुल माउंटेन्स। Roads conditions in Bhutan is extremely good. In Nepal, it is not good. Not good. What about India? India, it's amazing. And this road is just so amazing. I have never driven in such roads. Matlab, we were talking. I have driven in almost, except a couple of states. Otherwise, every state. I've driven to Kerala also. I've been to Munnar. This time, I'm going to LP. From Wayanad, I'll go to Ooty via Bandipur. And then I'll go to LAP. From LAP, I'll go to Rameshwaram. Rameshwaram, I'll come back to Bangalore. So that is how we are doing. Today is the 8th day of our trip. Okay. Chalo. Have a nice journey. Thank you, sir. Thank you so much. You were really sweet, sir. अब जो भैया रोके ना हमें, तो मैं तो इतना खुश हुआ, मैंने कहा भैया थंबनेल मिल गया। तो बहुत देर तक चेकिंग वेकिंग की, उनसे बात की, मैंने भाई अपने को क्या चाहिए, अपने को कंटेंट चाहिए। कंटेंट बोले तो कि भाई घुस रहे हैं, कोई दारू लेके घुस रहा है कोई भाई जो मैं तो पीना छोड़ दिया भाई, मेरे जैसे लेकिन और भी तो होंगे जिन्होंने अभी पीना नहीं छोड़ा, अगले साल हो सकता है छोड़ दें। तो यार उनके लिए भी तो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी, आप पता चला कर्नाटका से यार इधर पिल गए तो ऐसा ऐसा करके बचाना भी है ना जनता को कि भाई केरला में दारू वारू नहीं लेके आओ। अल्कोहल चेक कर रहे थे और ख़तरनाक ग्रीनरी यार, जब हमने उनको बताया कि इतनी ग्रीनरी हमने देखा, कह रहे बेटा वेलकम टू गॉड्स ओन कंट्री, वेलकम टू केरला। We have just stopped after entering Kerala and look at the view guys, just look at the view, kya amazing view hai yaar, kya amazing view hai। Ab ye pura ka pura jungle hai, just 10 km hue hame utre hue, ab mask isliye laga liya because itne dino tak to hum bina mask lagaye ghoom rahe the, but yahan pe just hum aaye to unhone bola ki mask kahan hai aapka, aur agar yahan pe aap mask nahi lagate ho तो भैया केरला में 1000 rupees फाइन है, वी डोंट हैव दैट एक्स्ट्रा मनी, तो मास्क लगा के चलेंगे एटलीस्ट कान पे हमेशा। तो अब यहाँ पे खा लिया है, अब देखते हैं गाड़ी कौन चलाता है यार, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मनी से पूछते हैं, अगर मनी ओके करता है तो ठीक है, नहीं तो भाई तुम्हारा भाई फिर से चलाएगा ही। से रोड पे इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, जब सामने से गाड़ी आ रही है ना वो ऑटोमेटिकली लो बीम कर ले रही है, देखो सामने का हाई बीम था फिर लो बीम कर रही है,
मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाले का अच्छा सामने वाले ने हाई बीम किया तो क्या हुआ, तो हम भी लो बीम कर रहे हैं, वही है ना, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, इज्जत लोगे इज्जत ले लेंगे, वो वाली फंडा यहाँ पे चल रहा है। तो सारे लोग एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं, फुल रिस्पेक्ट से अपन गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, फुल जंगल का मजा ले रहे हैं, ठीक है। और अभी भी अपना जो डिस्टेंस है वो करीबन 50 मिनट से 40 मिनट कितना टाइम बचा है बनी? 36 मिनट है भाई। 36 मिनट बचा हुआ है। 14 किलोमीटर टू बी वेरी प्रिसाइज। 14 किलोमीटर टू बी वेरी प्रिसाइज। ओके, यार जंगल खत्म ही नहीं हो रहा ना, जंगल के बाद एक और जंगल, जंगल के बाद एक और जंगल, बताओ कितने जंगल। एक ही जंगल है जो खत्म ही नहीं हो रहा, ऐसा क्या जंगल बनाया है कि खत्म ही नहीं हो रहा। सो गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है एंड वायनाड एंटर हो गए एंड उधर अपन अपना विला है, बेसिकली दिस प्लेस इज डबल ट्री विला वायनाड। तो अभी सामान निकाल रहे हैं, देखते हैं कि पूरा सामान लेके जाएंगे या नॉर्मली जैसे हम लेके जा रहे हैं कि एक दो कपड़े, क्योंकि होटल और मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट स्टेयर्स अवे, तो अगर कुछ चाहिए तो हम लेके आ सकते हैं। एनी भाई, लेकिन लेके आएगा कौन? नहीं हम ही लेके आ जाएंगे भाई। नहीं उस हम में कौन आता है, मतलब नहीं उस हम में आता कौन? अरे अभी एक बार ले जाएंगे तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं ये चीज को क्लियरिफाई नहीं किया लड़का कि हाँ हम आ जाएंगे। गुड ना, ऑल थैंक्स टू भैया, सो थैंक यू भैया फॉर एन अमेजिंग प्लेस। हेलो भैया, आपसे बात हो रही थी? Yes. We were talking ना, right? ओके ओके ओके। वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। दिस इज वन रूम एंड दिस इज द सेकंड रूम और हम चेक इन कर चुके हैं वायनाड डबल ट्री में एंड दिस इज आवर रूम। मनी इज देयर, हमारा सारा लगेज फैला हुआ है, लैपटॉप उधर है बिकॉज अभी सारा डेटा ट्रांसफर करना है। दिस इज अ स्मॉल किचन, यहाँ पे चाय वाय हम बना सकते हैं, मैगी वैगी बना सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, चीनी वीनी सारी चीज़ें हैं एंड दिस इज मी ऑफ कोर्स। अभी ये इतना सारा टी वी की हमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम तीनों काफ़ी है पकड़ कर इंटरटेनमेंट के लिए। और दिस इज द बैल्कनी एंड ये पूरा जंगल है, ये व्यू मैं आपको सुबह दिखाऊँगा। सो वी हैव मस्ट प्लेस, अब माहौल बनाना होता ना तो कसम से यार इससे बढ़िया जगह ना मिलती नहीं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, चलो इस वीडियो करते हैं ये पे खत्म, मिलते हैं आपसे कल सुबह अगले एपिसोड में, टिल देन पीस। ए भैया कहाँ, भैया हग रहे हो? अरे खोलो खोलो। हे गाइस वेलकम टू गाइस, हे गाइस वेलकम टू, हे गाइस, हे के व्लॉग बन रहा है बे, हे वेलकम टू द गाइस, बोलो बोलो मेन देखे थे ए हेलमेट पहन के बैठा था।